तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा है बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप आपके एंड्रॉइड फोन के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, एटीवी स्क्रीन रिकॉर्डर ट्राई किया है, अलग अलग स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऑडियो मार खा जाता है इन स्क्रीन रिकॉर्डर्स में। आपको और वीडियो पूरी एचडी मिल जाती है लेकिन ऑडियो क्लैरिटी कई तरह से मतलब बेकार से जाती है। तो मैंने बहुत सारे ट्राई किए एंड फाइनली मुझे एक रिकॉर्डर मिला जो है डीयू स्क्रीन रिकॉर्डर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब तक मुझे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर लगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप बने रहिए, मैं सबको दिखाता हूँ। तो यह है डीयू रिकॉर्डर, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको साइड में ऐसा एक ऑटोमेटिक इंटरफेस आ जाएगा और अगर आप आइकन पे 2 बार क्लिक करते हैं तो आप जो है अंदर चले जाएंगे जहां पे आपके फाइल्स वगैरह रिकॉर्ड होती है, सब सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंटरफेस जहां पे आपकी फाइल स्टोर होगी। ठीक है, उसके बाद आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये स्क्रीन शॉट्स के लिए है, आप डायरेक्टली स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत सेटिंग्स मिल जाती है, सेटिंग्स में आपको देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। आप रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो एडिट कर सकते हैं, वीडियो को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को जीआईएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इमेज को एडिट कर सकते हैं, या फिर इमेजेस को जोड़ सकते हैं, स्टिच इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको। आप अलग अलग इमेजेस को जोड़ के उसको स्टिच कर सकते हैं, एक साथ जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एडिट में देखिए आपके पूरे वीडियोज यहाँ पे दिखा देगा, तो यहाँ से जो है आप पूरे अपने रिकॉर्डेड वीडियोज को एडिट कर सकते हैं। और सेटिंग्स में हम देखेंगे तो वीडियो रेजोल्यूशन जो है आप 1080 पिक्सल यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एफपीएस वगैरह आप सेट कर सकते हैं, कितनी एफपीएस पे रिकॉर्ड करना है, 60, 50, 40, 30 जो भी है। वीडियो लोकेशन आप सेट कर सकते हैं या फिर, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं जैसे कि शेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, फोन ऐसे हिलाएंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। यहाँ पे जो कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, आप देखेंगे आप पे मेरा फेस दिखा रहा है अभी, इस तरह से वेबकैम की तरह भी ये काम करता है, डायरेक्टली आप जो है यहाँ से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है, आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रशेस के नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं आजकल। ठीक है, तो हाईलाइट कर सकते हैं। अंडू करने के लिए आप देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली अंडू अंडू का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, नहीं तो इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, मिटा सकते हैं इसको। ओके, तो ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 100 टचेस का, तो जब भी आप टच करेंगे स्क्रीन को यहाँ पे एक व्हाइट कलर का एक सर्कल आ जाएगा जो जहां जहां आप टच करेंगे वहां वहां जो है दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है डेवलपर ऑप्शन में जाकर इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, वहां पे 100 टचेस का एक ऑप्शन रहता है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो ही यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट होगा। तो ये थे कुछ इंटरनल सेटिंग्स की, तो बाहर के हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको एक्टिवेट करते हैं तो एक ऐसा एक वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है सिंबल आ जाता है, वीडियो कैमरा का सिंबल आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप टॉप बटन दबाएंगे तो यहां से आप जो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहां पे आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं कैमरे को। ठीक है, तो जीएफ रिकॉर्डर आप कर सकते हो, 100 टचेस वाटरमार्क है तो वाटरमार्क आप लगा सकते हैं कंपनी का। तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें, लेकिन अब तक का जो मुझे लगा बहुत बेस्ट ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है इससे। बाकी के रिकॉर्डर मैंने ट्राई किया लेकिन उसमें जो ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाती है। तो 2-3 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे प्रेस करिए, रिकॉर्डिंग के बटन दबाइए, तो 3, 2, 1 काउंट डाउन चालू होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली यहां से भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टॉप हो गई, अब इसको जो है प्ले करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जो है तो डायरेक्ट यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ऑडियो क्लैरिटी काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर स्क्रीन रिकॉर्डर्स। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स ट्राई किए हैं, उनमें ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। एंड अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ये, तो आई सजेस्ट कि आप यही यूज करें। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मी सचिन।